भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोबल मास्टर विमान कोरोना प्रभावित ईरान में फंसे 58 भारतीय यात्रियों को लेकर मंगलवार सुबह हिंडन एयरपोर्ट पर उतरा। यात्रियों के साथ एक विशेषज्ञ मेडिकल टीम भी मौजूद रही जो यहां से विमान के साथ गई थी। हिंडन एयरपोर्ट पर पहले से ही चिकित्सा सुविधाएं स्थापित कर दी गई थी। प्रवक्ता ने बताया कि वायुसेना की मेडिकल टीम और सहयोगी स्टाफ मानवीय सहायता मिशन के लिए विमान में साथ ही रही। वायुसेना ने ईरान से देशवासियों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक परिचालन और चिकित्सा व्यवस्था की है। ईरान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए C-17 विमान ने कल शाम 8:30 बजे उड़ान भरी थी। ईरान में फंसे यात्रियों को वापस तो ले आया गया है, लेकिन होली का पर्व होने के बावजूद ये अपने परिवार वालों से नहीं मिल सकेंगे, क्योंकि इन्हें छावला स्थित ITBP के कैंप में ले जाकर आइसोलेशन में रखा जाएगा।